वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, टॉम स्ट्रटर्स को हमसे ज्यादा कौन अच्छा जानता है, हमसे यानी कि अपने चैनल वालों से। क्योंकि गाइस, जब से लोगों को पता भी नहीं था कि टॉम स्ट्रटर्स रेस 3 के टीम में है, मैंने जनवरी में अनाउंस कर दिया था, यू नो, कि टॉम स्ट्रटर्स विल बी शूटिंग फॉर सलमान खान फिल्म रेस 3। और पूरी यूनिट से पहले वो इकलौता बंदा था टॉम स्ट्रटर्स, जो कि चला गया था अबू धाबी में, चाहे वो लीवा डेजर्ट ले लो या रेस अल खमा लो या जितने भी सीन्स हो, यू नो, टॉम स्ट्रटर्स जो था वो सबसे पहले चला गया था अबू धाबी टू डिजाइन। वेल फ्रेंड्स, एक्शन अलग बात होती है, लेकिन एक्शन को डिजाइन करके उसको यू नो एग्जीक्यूट करना, वो बहुत टफ होता है। लेकिन आजकल जैसे आपको पता है, वैसा एक्शन नहीं होता कि सेट पे चले गए, दो तीन पंटर लोग को मार वार दिए, एक को गिरा दिए, उछल कूद हो गई। ये एक्शन हैंड टू हैंड कॉम्बैट थोड़ा कम हो गया, एक्शन को काफी प्लान किया जाता है, चाहे वो यू नो जायका स्टंट्स ले लो, यू नो टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 में, या फिर टॉम स्ट्रटर्स को ले लो टाइगर जिंदा है में, या फिर अभी आने वाली फिल्म रेस 3 को लेके। एक्शन डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा आर्ट एंड स्किल बन गया है। इसके लिए यू नो स्क्रिप्ट राइटर्स की तरह पूरा एक्शन को ड्रॉ करना पड़ता है, यू नो, एक कैनवस पे। और वही चीज जब वो पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन पे, तब हमें मजा आता है वन बाय वन के सीन्स को पोर्ट्रे करने की। यू नो जो शैली है, इसको मास्टर किया है नन अदर देन टॉम स्ट्रटर्स ने। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमारे इंडियन स्टंट डायरेक्टर्स को, किस तरह से एक्शन इज एन आर्ट एंड नॉट अ पार्ट ऑन द स्क्रीन। क्योंकि गाइस, बहुत सारा एक्शन आप देखते हो, डिशुम डिशुम बम बम आवाज आती है, लेकिन इस तरह का वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमें सिर्फ हॉलीवुड फिल्म में दिखाई देता है। लेकिन गाइस, अभी जो स्टैंडर्ड रेस हो चुका है हॉलीवुड फिल्मों से, यू नो इंस्पायर होकर बॉलीवुड फिल्म का, उनका श्रेय सबसे ज्यादा हमें देना चाहिए इन स्टंट डायरेक्टर्स को, जो आके हमारे बॉलीवुड फिल्मों में स्टंट डिजाइन करते हैं। वेल, ये कहना तो गलत होगा कि हमारे हिंदुस्तान में यानी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में या फिर साउथ में अच्छे स्टंट डायरेक्टर्स नहीं है। वेल फ्रेंड्स, रवि वर्मा, अनिल आरसू आर द बिगेस्ट स्टंट डायरेक्टर्स द कंट्री हैज, और इनका टैलेंट हॉलीवुड के बराबर का है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टॉम स्ट्रटर्स के बारे में, और आज जो उन्होंने बयान दिया है INS को, यू नो जो एजेंसी रहती है, न्यूज एजेंसी, उसको फोन पे अबू धाबी से, वो मैंने कभी जिक्र नहीं किया अपने एपिसोड्स में। लेकिन इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उनकी यू नो वार्तालाप हुई है फोन पे, यू नो, इन एजेंसीज के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स, उनको ये बात तो पता है कि यू नो उन्होंने जो एक्शन कोरियोग्राफ किया था डार्क नाइट के लिए, यस फ्रेंड्स, डार्क नाइट के लिए जो एक्शन उन्होंने कोरियोग्राफ किया था क्रिश्चियन बेल के लिए। अब क्रिश्चियन बेल कौन है ये मुझे लगता नहीं आपको बताने की कोई जरूरत है। गाइस, ही वाज द बैटमैन इन द डार्क नाइट, और उनसे बड़ा यू नो मेथडिस्ट या फिर यू नो परफेक्शनिस्ट जो बोलते हैं यू नो इंडिया में आमिर खान को, उनसे बड़ा परफेक्शनिस्ट पूरे वर्ल्ड इंडस्ट्री में और कोई नहीं होगा, वो है क्रिश्चियन बेल। आज जब यू नो उन्होंने फोन पे बात की यू नो न्यू एजेंसी से, उन्होंने कहा कि मैंने यू नो डार्क नाइट के लिए एक्शन दिया है, डंकी के लिए दिया है। क्रिश्चियन बेल जैसा जो प्रोफेशनलिज्म है, टॉम हार्डी, अगर आपने उसकी रेवेनेंट फिल्म देखी होगी, वो बंदा क्रैकर है, ब्रदर्स जो फिल्म आपने देखी थी हिंदी में, वो उसके जो अमेरिकन वर्जन था उसके में था टॉम हार्डी, और टॉम हार्डी कौन है ये भी शायद मुझे चैनल बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, उनका जो प्रोफेशनलिज्म था, जिस तरह से वो अपने एक्शंस यू नो परफॉर्म करते थे, उसी लेवल का प्रोफेशनलिज्म रखते हैं सलमान खान, ये उनका कहना था। एंड ही मेंशन्ड दिस आल्सो कि सलमान खान इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन द होल वर्ल्ड। कैन यू बिलीव इट गाइस? और उसके लिए उसके दिल में इतनी इज्जत है, मान सम्मान है, इसीलिए उसने बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन छोड़ के यू नो आया है टू डू द स्टंट्स ऑफ रेस 3। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग बाइक चला रहे हैं, मैंने आपको मेरे बाइक स्टंट्स के एपिसोड में बताया था, टॉम स्ट्रटर्स की जो टीम है जो बाइक स्टंट्स कर रही है, वो सेम बाइक स्टंटर्स यूज हुए थे बॉन्ड के क्वांटम ऑफ सोलेस मूवी में। और जितने भी लोग जो ड्राइवर्स है जो गाड़ी चला रहे हैं, यस फ्रेंड्स, वो सारे यू नो बॉन्ड अल्टीमेटम सीरीज के ड्राइवर्स है। तो जस्ट इमेजिन गाइस, हॉलीवुड क्रू is taken into race which is a Hollywood up to Hollywood international movie। बहुत लोग को मजाक लग रहा है, बोलता है 100 करोड़ में हॉलीवुड फिल्म कैसे बनाएंगे। इसीलिए तो मैं बजट नहीं बताना चाहता हूँ रेस 3 का, क्योंकि आप लोगों को सब चीज मजाक लगता है। मैंने सुबह के एपिसोड में भी कहा था, वसाई बीच है यहाँ पे मुंबई में, वसाई बीच है, जिनको नाम भी नहीं आता बोलने का, लोग वहां जाके लोग कचरा फेंकते, वहां जाके यू नो पिक्चर की शूटिंग हो रही है अभी जीरो की, तो उसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया, वसई में हो रही है शूटिंग। अरे वसई में क्या करना है हमको, यहाँ पे अबू धाबी में पब्लिक जाके शूटिंग कर रही है, इतना करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर टॉम स्ट्रटर्स आया है, उसकी आप लोग बड़ाई नहीं मार रहे हो, वसई की बड़ाई मार रहे हो। तो गाइस, अब बात करते हैं टॉम स्ट्रटर्स की, किस तरह से उसने बॉलीवुड के एक्शन को एक अलग लेवल पे लेके चला गया है, और इसी का सबसे बड़ा कारण होगा कि रेस 3 का जो एक्शन होगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। फिल्मफेयर अवार्ड ने किसी को भी नवाजा नहीं था इस साल, टाइगर जिंदा की पूरी यूनिट में सिर्फ एक आदमी जिसको नवाजा गया था, वो है टॉम स्ट्रटर्स, क्योंकि उसका काम वाकई में सराहनीय था। सो फ्रेंड्स,
एज अगर एपिसोड पसंद आए ऑफ हाउ टॉम स्ट्रटर्स हैज कंपेयर्ड सलमान खान टू क्रिश्चियन बेल, हमारी नजर में तो क्रिश्चियन बेल से भी 100 गुना ऊपर है सलमान खान, लेकिन गाइज ये बहुत बड़ी बात है टॉम स्ट्रटर्स ने जो स्टेटमेंट दिया है विच प्रूव्स सलमान खान इज स्लोली एंड स्लोली इवॉल्विंग टू गो एट द न्यूमरो वन पोजिशन इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड एज इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। एपिसोड पसंद है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को लेकर आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।